Hi, this is Dakshajit Singh. You are watching Filmy Beat. ऑलराइट तो शो की ऑलरेडी शूटिंग की शुरुआत हो गई है. कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, जल्द ही हमें देखने भी मिल जाएगा यू नो शो. लेकिन आप बताएं, आपका अभी तक का एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है शो में काम करने का? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका मुबारकबाद देने के लिए. और वाकई आपने सही कहा कि काफ़ी दिन से शूट शुरू हो चुका है और बहुत मज़ा आ रहा है यार. अभी तक तो मैंने 3-4 दिन शूट किया है, दो सीक्वेंस शूट किए हैं और कमाल की टीम है. और को एक्टर्स एक दो के साथ तो मैंने पहले काम कर रखा है. सिद्धार्थ के साथ लाडो में था मैं, और क्रीप मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और बाकी प्रोडक्शन टीम को भी पहले से जानता हूँ. सो माहौल बड़ा अच्छा है यार, मतलब तो बहुत पॉजिटिव माहौल है. और साथ में जितने भी एक्टर्स हैं, वो चाहे मौली जी हों और बाकी जितने भी करेक्टर्स अच्छे अच्छे प्ले कर रहे हैं, वो सब एक्सपीरियंस एक्टर हैं, तो काम करने में मज़ा आ रहा है. काम करने में मज़ा तो आ ही रहा होगा, लेकिन अगर शो अच्छा लाउड ओके अगर शो माइथो है तो यू नो काफ़ी सीरियस तरीके का माहौल भी होता होगा, लेकिन क्या सेट्स पर जब आप लोग बिहाइंड द कैमराज होते हैं तो उस तरीके की मस्ती एंड ऑल होती है, या फिर आप लोगों को कैरेक्टर में घुसकर रहना पड़ता है तो उस वजह से वो सीरियसनेस जो है वो मेंटेन करनी? नहीं, मेरा तो एक्चुअली बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरा स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला हिसाब किताब है. मतलब कट हुआ तो मैं अपनी मस्ती के मूड में होता हूँ, भले मैं कोई भी किरदार प्ले कर रहा हूँ. मैं ज़्यादा देर एक चीज़ में वो बंद नहीं रहता, आई नीड चेंज. सो वो हेल्प भी करती है मेरे को काम करने में, तो इमीडिएटली मैं स्विच भी कर लेता हूँ. और मुझे लगता है उससे क्या होता है, सेट पे एक अच्छा माहौल रहता है, आप एक दूसरे से बातें करते हो, कुछ जोक्स शेयर करते हो, तो वो इट्स गुड. वो माहौल अच्छा बना रहता है, काम आपको काम नहीं लगता, बोझ नहीं लगता. देन यू इन्जॉय, देन यू फील लाइक गोइंग टू सेट, यू नो, जाते हैं, सबसे मिलते हैं, मस्ती करते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल है. अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का कैरेक्टर होने वाला है आपका और कितना इन्जॉय कर रहे हैं उसको? कैरेक्टर को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ. एक तो अपने लुक तो देखा ही यार, है ना, लुक तो है ही कमाल. और देवों का राजा है, स्वर्ग का राजा है इंद्र, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करता है स्वर्ग में. और थोड़ी सी इसको हमेशा ये भी टेंशन रहती है कि यार कहीं कोई और मेरा साथी, कोई और कुबेर देव, ये देव वो आके कहीं राजा बनने की कोशिश ना करें, तो उस वजह से थोड़ा डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को हैंडल करता है. हमेशा कोशिश करता है कि सब मेरे कंट्रोल में रहे, कोई भी मेरे से थोड़ा ऊपर ना आ पाए. सो पॉलिटिकली भी बहुत करेक्ट रहता है, और कई बार इस चक्कर में गलतियाँ भी करता है, और फिर उससे महादेव के लिए महादेव से माफ़ी भी मांगता है, माफ़ भी कर देते हैं क्योंकि उनका प्रिय है ये देव. और सबसे अच्छा फैक्टर, ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, जिसकी सबको ज़रूरत है, वो आप इंद्र से सीखिए. ओके, इसके अलावा किसके साथ में अभी तक सबसे ज़्यादा जम रही है इतने दिन के शूट में, किससे सबसे ज़्यादा क्लोज हो गए हैं और फ्रेंडशिप किसके साथ ज़्यादा क्लोज हो गई है? फ्रेंडशिप अभी ऑन शूट, अगर अभी सिद्धार्थ के साथ मेरे को काम करने का मौका नहीं मिला, वो पहले से फ्रेंड है. क्रिप के साथ भी अभी तक कोई सीन नहीं किया मैंने. उसके अलावा मैंने मौली जी के साथ सीन किया है और राजीव के साथ सीन किया है. सो बड़ा मज़ा है यार, बहुत अच्छा माहौल है. अभी सबके साथ जम रही है. मेरी बीवी इंद्रानी, शी इज़ वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव. सो हमारी अच्छी जम रही है आपस में, यू नो. और इस लुक में आने में कितना टाइम लग रहा है आपको और कितना इन्जॉय कर रहे हैं इस लुक को? मैं इन्जॉय तो कर ही रहा हूँ यार थ्रू आउट, लेकिन लुक को मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज लड़कों का एक तो मेकअप कम होता है, कोई विग नहीं है, सिर्फ मुकुट है ऊपर. सो हाँ, थोड़ा हैवी है, थोड़ी ज्वेलरी चुभती है बीच बीच में, बट इट्स फाइन, वो चलता है, हर एक एक्टर को वो मैनेज करना ही पड़ता है. सो आई गेस 5 मिनट मेकअप के और 10 मिनट तैयार होने के, मैं 15-20 मिनट तैयार हो जाता हूँ. व्यूअर्स प्लीज़ यार, सब पूरी टीम ने, NTV ने और सब आर्टिस्ट ने, सब टेक्नीशियंस ने, पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और पहली दफ़ा आपको ये शिव जी का जो बाल रूप है वो देखने को मिल रहा है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो प्लीज़ हम सब ने इतनी मेहनत की है, आप शो को देखिए, शो को प्यार दीजिए, ताकि शो अच्छे से पूरा चले, आपको सारी कहानियाँ देखने को मिले. जितने भी महादेव के भक्त हैं, प्लीज़ शो को ज़रूर देखिए. मैं भी भक्त हूँ, मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ. हर हर महादेव. थैंक यू.